हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दुर्गाष्टमी, तो मैंने सोचा चलो एक मिनी ब्लॉग बना लेते हैं। तो मैं यहाँ नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ, अपना आउटफिट भी पहन लिया है और मैं अब थोड़ा सा कर लूँगी मेकअप, क्योंकि जाना है मुझे पंडाल में। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मैं यहाँ तैयार भी हो गई हूँ। उधर मम्मी बाबू को रेडी कर रही है। बाबू को रेडी करने के बाद हम लोग सभी को ही जाएंगे वहाँ अंजलि देने के लिए। तो बाबू भी यहाँ रेडी हो गई है और उसको थोड़ा दूध पिला लेती, क्योंकि फिर वहाँ जाके रोएगी, ऐसे वो पूरा परेशान करने लगेगी। यहाँ राहुल हम लोग को लेने आ गए हैं, तो हम लोग सबको साथ में ही जाएंगे। तो हम राहुल भाई हम निकल रहे हैं और पीछे से मम्मी पापा आ रहे हैं। तो पंडाल हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग चलते हैं जब तक मम्मी पापा आ रहे हैं, क्योंकि लेट भी बहुत हो गया था। तो हम लोग बातें करते करते जा ही रहे थे, तब तक देखिए पंडाल आ गया। और पंडाल के अंदर अभी हम लोग लेंगे अष्टमी, और बाबू को उसके दादू ने देख के ही गोदी में ले लिया। वो बहुत खुश थी, वो सबको देख रही थी, क्योंकि वो घर के बाहर इतना निकलती नहीं है। तो जब भी निकलती वो चुपचाप ही रहती है, उसको अच्छा लगता है। पर वहाँ पर ज़्यादा शोर भी हो रहा था, इसे वो डर जा रही थी। तो हम लोग ने अंजलि दे दिया, तो पास में और एक पंडाल है, तो फिर हम चले गए वहाँ दर्शन करने के लिए। और माँ का चेहरा देख के तो मन जैसे अच्छा हो गया एकदम। तो आप सब भी अच्छे रहिए। आज का ब्लॉग